हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में हम DSSSB की जो अपकमिंग वैकेंसीज है 2022 में आने वाली हैं, उन सारी पोस्ट के जो है जो ऑफिशियल नोटिस इसका जारी हुआ है उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। DSSSB जो है दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है दिल्ली गवर्नमेंट निकालती है। ये 6,624 टोटल पोस्ट है। आइए देख लेते हैं कि ये पोस्ट किस किस, देखिए वैकेंसी कौन कौन सी है। जूनियर इंजीनियर की है जी, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वैकेंसी कौन कौन सी है। ज्यादातर तो इसमें मैं TGT और PGT की वैकेंसीज के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ साथ मैं और भी वैकेंसीज के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जूनियर इंजीनियर की है, यानी कि सिविल इंजीनियर की। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और 594 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, 115 पोस्ट। सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की है, एक पोस्ट। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर की है जो 10 पोस्ट। PA टू सेक्रेटरी की है, 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट है। LDC की है, 10th क्लास क्वालिफिकेशन, और 6 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट की है, असिस्टेंट की 10th पास होना चाहिए, 594। फील्ड क्लर्क की है, 10th पास क्वालिफिकेशन है, 5 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की है ग्रेड 3rd में, 12th पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और 50 पोस्ट है। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट की है 359, स्टेनोटाइपिस्ट की है 135, स्टेनोग्राफर की है 2, LDC की है 558, पर्सनल असिस्टेंट की 5, जूनियर स्टेनोग्राफर की है 20। इसी तरह से असिस्टेंट टीचर की PRT ये जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th प्लस DED, PRT, JBT या BED, ठीक है। 1959 इसकी पोस्ट है। ड्राइवर की भी पोस्ट है जी, ड्राइवर की 10th पास, 12th पास, 10th पास की 33 है, और 12th क्वालिफिकेशन वालों के लिए 17 है। लैब टेक्नीशियन की है, DMLT जिसने कर रखा हो, 10th प्लस DMLT 5 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन 10th प्लस DMLT 12 है, और लैब टेक्नीशियन फिर 10th प्लस DMLT 23 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन की 10th पास क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की बी फार्मा मांग रहे हैं इसमें, 79 पोस्ट है। और जूनियर फार्मासिस्ट की है 12th प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि डी फार्मा, 3 पोस्ट है। और जी फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की है 128 पोस्ट, ये काफी बहुत सारी, ANM की 316 है। अब देख लेते हैं PGT और TGT की। PGT हिंदी की है, क्वालिफिकेशन आपकी PG होना चाहिए हिंदी में, 11 पोस्ट है। PGT हिस्ट्री की है, PG होना चाहिए हिस्ट्री में, 18 पोस्ट है। PGT पॉलिटिकल साइंस की है, 29 पोस्ट। आपको जो जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स हैं उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नाम में बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स की 25 है, ज्योग्राफी वालों के लिए 19 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 20, कॉमर्स वालों की 16, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री की 24 और बायोलॉजी की 29, होम साइंस की 1 और फिजिकल एजुकेशन की 24। इंग्लिश की नहीं है, PGT इंग्लिश वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। TGT में है, TGT में इंग्लिश में 152 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट प्लस BED। वैसे तो जब आपका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम पर जो है इसके बारे में बताया जाएगा कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट प्लस BED। मैथ की है 171, सोशल साइंस की 43, नेचुरल साइंस की 156, संस्कृत की 81, उर्दू की 12, पंजाबी की 9, हिंदी की 56 और ड्राइंग की है 224। बहुत सारी वैकेंसी आई है भाई, ड्राइंग टीचर्स के लिए अच्छा मौका है। तो ये थी सारी वैकेंसीज, अब जान लेते हैं
देखिए ये एग्जाम कैलेंडर है, डी टू पुलिस भी ने जो जारी किया है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए इनकी मतलब जो वैकेंसी है ये 2022 में आने वाली है, तो कब आएंगी ये ड्राइवर की? मार्च अप्रैल में आएगी, ठीक है। और इसका एग्जाम जो है लगभग जून में होगा, 1 जून से 30 जून के बीच में। ये सारी टीजीटी की जो है वैकेंसी 1 मई से 5 मई के बीच में आ जाएंगी, और इसका एग्जाम जो है जुलाई में होगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। इसी तरह से हम ये सारी देख लीजिए, असिस्टेंट टीचर पीआरटी, इनकी जो वैकेंसी है 1 जुलाई को आएंगी, 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आएगी, और एग्जाम जो होगा ये इसका सितंबर में होगा, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। वार्डन, मैट्रन, फायर ऑपरेटर, ये सभी की इनकी जो वैकेंसी है ये 10वें महीने में आएंगी, यानी कि अक्टूबर में, ठीक है, नहीं अगस्त में आ जाएंगे, और अक्टूबर में शायद इनका एग्जाम हो जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी, जिसमें हमने टीजीटी की आपको बता दिया है, टीजीटी की जो वैकेंसी है ये मई में आ जाएंगी लगभग, 1 मई से 5 मई के बीच में नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, और फिर उसके बाद में एग्जाम जो है जुलाई में हो सकता है। तो ये सारी जो है वैकेंसीज के एग्जाम डेट के बारे में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।